ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे, इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या किया था कि यूनिट डायमेंशंस एंड मेजरमेंट में हम लोगों ने क्या किया था, कुछ चीज़ें पढ़ लिया था, ठीक है। जिसमें हम लोग सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझे थे कि व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी में जब हमने देखा था कि एनी फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन क्वांटिफाइड, ठीक है, एंड कैन बी मेजर्ड यूजिंग द नंबर्स। और जिसमें हमने लिखा था कि हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, उस फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग क्या पढ़े थे, मास पढ़ा था कि नहीं पढ़ाया था, मास पढ़ाया था, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये भी बताया था, उसके बाद लेंथ भी बताया था, उसके बाद टाइम भी बताया था, उसके बाद टेम्परेचर भी बताया था, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट भी बताया था और लाइट इंटेंसिटी। तो हमने फिजिकल क्वांटिटी आपको कितनी बताई थी, फिजिकल क्वांटिटी आपको कितना बताया था, सेवन सेवन फिजिकल क्वांटिटी बताई थी। इस सेवन फिजिकल क्वांटिटी के साथ साथ जो है हमने यहाँ पे आप लोगों को यूनिट्स के बारे में भी बताया था, ठीक है, यूनिट्स के बारे में भी बताया था। अब उसके बाद यूनिट क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ द फॉलोड बाय द यूनिट्स। उसके बाद यहाँ पे जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है कि अगर ये लिखा हुआ है 20 ग्राम, जैसे ये पेन है और इस पेन का जो वेट है, अगर यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि ये 20 ग्राम है, कितना ग्राम है, 20, तो ये 20 हमें क्या डिफाइन करती है, मैग्नीट्यूड, क्या डिफाइन करती है, मैग्नीट्यूड। लेकिन ये यहाँ पे जो ग्राम या किलोग्राम जो भी मेंशन होता है, या 2 मीटर, ठीक है, या 20 सेंटीमीटर, ये जो मेंशन होता है, जैसे यहाँ पे हम यूनिट में देखेंगे तो ये जो ग्राम है क्या है, ग्राम। अगर ये पेन की लेंथ होती तो लेंथ होती क्या होता, सेंटीमीटर में होता या मीटर में होता, तो ये हमारी क्या कहलाती है, यूनिट कहलाती है, क्या कहलाती है, यूनिट। अब उसके बाद हम लोग फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटी के बारे में हम लोगों ने देखा था कुछ, ठीक है, यहाँ आते हैं, फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटी। तो फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटी ये भी हम लोगों ने देखा था, अभी धीरे धीरे इसमें भी हम लोग कुछ सीख जाएंगे। फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटी, फंडामेंटल हमने क्वांटिटी देख ली थी सेवन, और फंडामेंटल से हमने क्या बनाया था, ड्राइव क्वांटिटी। उसके बाद ड्राइव क्वांटिटी में जो हम लोगों ने देखा था, जैसे मैंने आप लोगों को ड्राइव क्वांटिटी में हमने क्या बताया था, एरिया, क्या बताया था, एरिया। तो अगर एरिया है तो लंबाई चौड़ाई है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, एल इंटू वी। तो अगर हमने इसमें देखा मीटर मल्टीप्लाइड बाई मीटर, तो ये क्या आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। जैसे हमने बताया था वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है बताओ, वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है, ऊंचाई, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। ऐसे हमने देखा था कि फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये मास क्या था, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन क्या था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सब हम लोग ड्राइव क्वांटिटी भी देख चुके थे, इसमें कोई कुछ नया सीखने को है नहीं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट। अब सिस्टम ऑफ यूनिट जो हम लोगों ने देखा, तो सिस्टम ऑफ यूनिट पे जो हम लोग आए, तो इसमें तीन सिस्टम हमने आप लोगों को बताया था, कितने सिस्टम, तीन सिस्टम। तीनों सिस्टम में ये जो हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट थे, एक था CGS, क्या था, CGS। और CGS सिस्टम में क्या था, इस C का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, क्या होता है, सेंटीमीटर। और उसके बाद G का मतलब क्या होता है, ग्राम, क्या होता है, ग्राम। और S का मतलब क्या होता है, सेकेंड होता है, क्या होता है, सेकेंड। जब हम लेंथ को अगर सेंटीमीटर में मेजर करते थे, लेंथ को अगर हम किस में मेजर करते थे, सेंटीमीटर में, ठीक है, और अगर हम मास को किस में, ग्राम में, और समय को किस में, टाइम को, सेकेंड में, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, CGS सिस्टम कहते हैं। उसके बाद हम लोग MKS जब सिस्टम में आए, तो MKS सिस्टम में M का मतलब क्या होता है, मीटर, M स्टैंड मीटर। और उसके बाद K का मतलब क्या होगा, किलोग्राम, क्या होगा, किलोग्राम। और S का मतलब क्या था, सेकेंड था, S का मतलब क्या था, सेकेंड था। तो MKS सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं जब लंबाई को हम लोग लेंथ को किस में मेजर करते थे, मीटर में, और हम मास को किस में, किलोग्राम में, और हम टाइम को किस में, सेकेंड में। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते थे, MKS सिस्टम, MKS सिस्टम। उसके बाद जो हमारा लास्ट आता है, बट लीस्ट नहीं, वो हमारा क्या था, लास्ट क्या था हमारा, FPS, क्या था, FPS। तो FPS सिस्टम में क्या था, किसी को पता है, F स्टैंड क्या होता था, F का मतलब क्या होता था, फुट, क्या होता था, F का मतलब क्या होता था, फुट, ठीक है। जब लंबाई को हम किस में, फुट में मेजर करते हैं, जैसे 1 फुट 2 फुट 3 फीट 4 फीट, ठीक है, और हम मास को किस में,
पाउंड में, किसमें पाउंड में, और टाइम को किसमें, ठीक है, टाइम को किसमें, सेकंड में, टाइम को किसमें, सेकंड में। तो ये हमारा क्या होता था, एफपीएस सिस्टम कहलाता था। जब ये सारे सिस्टम थे, इस सिस्टम के बाद क्या हुआ कि अलग अलग जगह अलग अलग सिस्टम का यूज़ हुआ करता था, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। तो उसके बाद कहा गया कि इस सारे सिस्टम को दूर करने के बाद क्या हम एक ऐसे सिस्टम को लेकर आए जिससे क्या हो कि सभी बच्चों हर जगह पूरे एक कंट्री में एक ही सिस्टम चलाया जाए। तो वहाँ पे हम लोग लेके आए एसआई सिस्टम। क्या लेके आए? एसआई सिस्टम। और इस एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम को, इसको हम लोग सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल भी कहते हैं या इंटरनेशनल सिस्टम भी कहते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम ये जब लेके आया गया, तो इंटरनेशनल सिस्टम में जो मेजरमेंट के बताया गया कि इसको जो टेक्निकल तौर पर या साइंटिफिक तौर पर, ठीक है, कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करें, एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाएं। और उसी स्टैंडर्ड यूनिट में जो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी जो 7 पढ़े थे, उसी 7 फिजिकल क्वांटिटी को क्या बना दिया गया, एसआई सिस्टम। क्या बना दिया गया? एसआई सिस्टम। और एसआई सिस्टम में क्या हुआ, आगे देखते हैं, ठीक है, एसआई सिस्टम। फिर अगला, यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके थे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। अगला चैप्टर आता है हमारा डायमेंशन। क्या आता है? डायमेंशन। डायमेंशन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? बीमा। क्या कहते हैं? डायमेंशन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? बीमाएं। क्या कहते हैं? बीमाएं। अच्छा, अब ये बीमाएं जो होती हैं, जैसे लंबाई है, ठीक है, तो लंबाई कहीं कहीं चौड़ाई है, जहाँ पे लंबाई और चौड़ाई होती है वहाँ पे कितनी डायमेंशन हो गई? 2D। क्या हो गई? 2D। और जहाँ लंबाई और चौड़ाई तीनों हो गई, वहाँ क्या हो गई? 3D। तो बीमाएँ ये बताती हैं डायमेंशन क्या होता है। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एंड यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट इन द टर्म ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। जब किसी आयामों और मापों की इकाइयों की सहायता से भौतिक मात्राओं के बीच में संबंध का जो अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आयामी विश्लेषण कहते हैं। आयामी विश्लेषण कहते हैं। अब डायमेंशन एनालिसिस में हमने फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी पढ़ी थी? 7। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो पढ़ी थी, उसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को हम लोग क्या क्या देखेंगे? डायमेंशन देखेंगे। क्या देखेंगे? डायमेंशन। अब इसमें जब हमने डायमेंशन देखना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, क्या आया? फिजिकल क्वांटिटी। अब इस फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग क्या देखे थे? मास देखे थे, क्या देखा था? लेंथ देखा था, क्या देखा था? टाइम देखा था, क्या देखा था? इलेक्ट्रिक करंट देखा था, क्या हमने क्या देखा था? थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर, या इसी को हम लोगों ने टेम्परेचर मेंशन किया था। उसके बाद आया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ, ठीक है, ये ऑफ है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसके बाद हमारा क्या था? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो अगर हम मास देखते हैं, तो मास के जो डायमेंशन हम लोग क्या लिखेंगे? एम। क्या लिखेंगे? एम। अगर लेंथ होगा तो उसकी डायमेंशन क्या लिखेंगे? एल। अगर टाइम होगा तो उसकी डायमेंशन क्या लिखेंगे? टी, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिक करंट होगा तो उसका क्या लिखेंगे? ए। और ए का मतलब क्या होता है? एम्पियर। थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर जो है, उसकी डायमेंशन क्या होगी? टी। अच्छा, टी भी लिखते हैं और थीटा भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? थीटा। थीटा भी लिखते हैं। और उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है, उसको क्या लिखते हैं? मोल। क्या लिखेंगे? स्मॉल में होगा, क्या होगा? मोल। और अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगा, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी? कैंडेला। क्या होगी? कैंडेला, CD, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है? तो डायमेंशन, अब यहाँ से क्या करेंगे कि हम डायमेंशन के बारे में देखेंगे। फिर आगे ये बात आती है कि डायमेंशन तो हो गया, अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो डायमेंशन है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था कि कुछ क्वांटिटी ली थी, उसके कुछ सिंबल हैं, उसके कुछ एसआई यूनिट हमें लिखनी है, उसके कुछ हमें क्या करना है? डायमेंशन लिखना है। यहाँ पे एरिया, ठीक है, और एरिया का एसआई यूनिट क्या होगा? एरिया का यूनिट क्या होगा? एरिया का जो सिंबल है ए है, लेकिन एरिया क्या होगा? मीटर स्क्वायर। क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो इसकी हम लोग क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर। इसमें लिखेंगे मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसकी डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे? एरिया की डायमेंशन कैसे निकालेंगे? एरिया की डायमेंशन निकालने के लिए कि एरिया इज इक्वल टू क्या होगा भाई? लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, ठीक है। अब लंबाई को, लेंथ को भी किस में मापेंगे? मीटर में। तो जिस चीज़ को मीटर में मापेंगे, उसकी डायमेंशन क्या थी? लेंथ की डायमेंशन क्या थी? एल थी।
क्या थी, एल थी, और उसके बाद क्या थी, ब्रेथ भी क्या है, एल। तो ये क्या बनेगा, एल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो डायमेंशन बनेगी वो क्या बनेगी, एल स्क्वायर। इसको बॉक्स में क्या कर देंगे, पैक कर देंगे। ऐसे वैल्यूम है तो वैल्यूम की डायमेंशन हम लोग देखेंगे, चाहे वो लेंथ हो और चाहे वो क्या हो, ब्रेथ हो और चाहे उसकी हाइट हो। इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या होगा, SI यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब होगी। लेकिन जब इसका डायमेंशन निकालेंगे तो क्या आएगा, एल इंटू एल इंटू एल कितना आएगा, तो एल टू द पावर 3, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एल क्यूब। अच्छा, हमारा डेंसिटी, डेंसिटी का फार्मूला किसी को पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होगा, जब हम डेंसिटी निकालेंगे तो डेंसिटी इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, यहीं पे लिख देते हैं, डेंसिटी जो हमारा होगा ये मास अपॉन क्या होगा, वैल्यूम। कितना होगा, मास अपॉन वैल्यूम। अच्छा, मास की डायमेंशन हमारा क्या होगी, मास अपॉन वैल्यूम। तो मास को किसमें मेजर करते हैं हम लोग, किलोग्राम में, किसमें, तो किलोग्राम में। तो ये हो जाएगा किलोग्राम, और ये वैल्यूम क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। अच्छा, अभी हमने बताया है कि जब इसकी डायमेंशन निकालेंगे, तो इसका डायमेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब डायमेंशन निकालेंगे तो ये डायमेंशन क्या हो जाएगी, कैपिटल एम होगा कि नहीं होगा। उसके बाद वॉल्यूम का क्या होगा, एल क्यूब। तो ये एल क्यूब ऊपर जाएगा, नीचे है तो प्लस है, और ऊपर एल जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या, एम एल पर पावर माइनस 3। तो इसकी जो डायमेंशन आएगी क्या आ जाएगी, तो आएगा एम एल पर पावर माइनस 3। तो अगर तुमसे कोई पूछ रहा है कि डेंसिटी जो है उस डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा, तो एम एल टू द पावर माइनस 3, एम एल टू द पावर माइनस 3। ठीक है, ठीक है, इसमें पूरा डिलीट करना पड़ेगा, नहीं चलिए, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी देखेंगे, तो कल हमने बताया था वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब यहाँ पे वेलोसिटी देखेंगे तो उसको बी से लिखते हैं, और वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, टाइम। अच्छा बताओ, डिस्प्लेसमेंट जब हमने बताया था तो डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, लेंथ मीटर में ही तो मेजर करेंगे इसको, डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, बताओ, मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब इसका अगर हम डायमेंशन निकालेंगे तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, ऊपर एल और नीचे क्या हो जाएगा, टी। तो ये उसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल टी पर पावर माइनस 1। तो इसकी डायमेंशन क्या निकाल सकते हैं, इसकी डायमेंशन लिखेंगे एल टी पर पावर माइनस 1, एल टी पर पावर माइनस 1। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम लोग क्या, एल टी पर पावर माइनस 1। ठीक है, अब आगे बात आती है यहाँ पे एक्सेलरेशन, क्या चीज, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बारे में बताओ, एक्सेलरेशन को किससे लिखते हैं, स्मॉल ए से लिखते हैं। जब इसको स्मॉल ए से लिखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, टाइम होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा, वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे फिर टाइम से मल्टीप्लाई होगा, तो टाइम इंटू टाइम क्या हो जाएगा, टाइम स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी क्या होगा, यूनिट। लेकिन इसकी डायमेंशन अगर हम निकालेंगे तो बताओ मीनल क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या आएगी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या आएगी, नहीं, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी पावर माइनस 1। तो ऊपर लिखेंगे एल टी पर पावर माइनस 1, और नीचे क्या है, टाइम। तो टाइम की डायमेंशन टी, तो ये टी लिखेंगे। अच्छा, ये टी नीचे क्या है, अगर किसी भी, यहाँ पे मान लो एक्स लिखा हुआ, तो इस पर कोई पावर नहीं लिखा हुआ, अगर कोई पावर नहीं है तो कितना है, प्लस 1 है। अच्छा, इसको जब अगर हम यहाँ पे प्लस 1 है कि नहीं है, अगर इसको ऊपर ले गए तो क्या होगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो माइनस 1 यहाँ से और माइनस 1 ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल टी पर पावर माइनस 2, क्या हो जाएगा, एल टी पर पावर माइनस 2। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन जो आएगी, आएगी एल टी पर पावर माइनस 2। बताओ एक्सेलरेशन की डायमेंशन समझ में आई, अब कैसे निकल के आया, तो एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन हम निकालेंगे यहाँ से आएगा एल टी पर पावर माइनस 2। अब आगे हम लोग आते हैं यहाँ पे फोर्स, क्या आते हैं, फोर्स। बताओ फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, हाँ, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा बताओ, मास जो होगा उसकी यूनिट क्या होती है,
बोलो किलोग्राम होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड इसको स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूटन चाचा के नाम पे क्या दे देते हैं, न्यूटन दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे किलोग्राम के जो डायमेंशन निकालेंगे, भाई मास है तो उसकी डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल एम, और एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या निकाल के रखे हैं, एल टी पावर माइनस टू। तो यहीं पे रख देंगे एल टी पर पावर माइनस टू। अगर अब तुम्हें कभी भी कोई फ्यूचर में पूछेगा कि फोर्स की जो यूनिट होगी क्या होगी, तो क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन भी बोलते हैं। लेकिन इसकी डायमेंशन अगर तुमसे कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, एम एल टी पर पावर माइनस टू। ठीक है, ये क्या चला गया, हाँ वही हमें लगता है कि जा रहा है। और ये क्या था, हो क्या रहा है, ये करना क्या चाह रहा है, ये होगा एल टी पर पावर माइनस टू, असल में वो आदत पड़ी है ना, ये आएगा एम एल टी पर पावर माइनस टू। क्लियर, चलो बताओ वर्क, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमने पढ़ाया था वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, होता है कि नहीं होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बलगुड़े क्या कहते हैं, विस्थापन, क्या कहते हैं, विस्थापन। तो बलगुड़े विस्थापन, अब अभी हमने बताया है कि फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, मीटर। तो क्या होगा, न्यूटन मीटर, एक तो न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो और एक लिख सकते हो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका क्या लिखोगे, वर्क डन क्या लिखोगे, न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर लिखोगे तो अभी बताओ फोर्स की डायमेंशन हमने क्या निकाली है, एम एल टी पर पावर माइनस टू क्या लिखा है। ठीक है, तो डायमेंशन यहाँ जब फोर्स की लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एम एल टी पर पावर माइनस टू। इसको डब्बे में क्या किया, पैक किया। ठीक है, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, डिस्टेंस है, मतलब लेंथ ही तो है, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, एल, क्या होगी, एल। तो जब इस ये एल है, यहाँ पे एल है, तो एल मल्टीप्लाइड बाई एल कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर। तो ये लिखेंगे इसको हम एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस टू, क्या लिखेंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे क्या है कि वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, ठीक है, चाहे वो गतिज ऊर्जा हो, चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे कोई भी ऊर्जा हो, सभी की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है, क्या होती है, सेम होती है। तो इसकी डायमेंशन क्या लिखेंगे, इसकी डायमेंशन लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस टू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद न्यूटन मीटर की स्क्वायर क्यों होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो न्यूटन मीटर ही तो लिखा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर तो होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर तो नहीं होगा, सही लिखा हुआ न्यूटन मीटर ही होगा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे पावर आता है, पावर, ठीक है, किसके पास कितना पावर है, अब आएगा पावर। तो लिखेंगे पावर को पी से लिखते हैं, और पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वॉट अपॉन टाइम, कि वर्क अपॉन टाइम, किसी भी इंसान के काम करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, अब बताओ अगर एक आदमी है एक खेत, एक बीघे खेत को जो है जुताई जो है 5 घंटे में करता है, खुदाई जो है 5 घंटे में करता है, और एक आदमी है एक बीघे खेत की खुदाई जो है 3 घंटे में कर देता, तो पावर किसके पास ज़्यादा है। अच्छा, जो 5 घंटे में करता है उसके पास की, जो 3 घंटे में करता है, 1 घंटे। इसका मतलब क्या है कि आप बहुत कम समय में अगर ज़्यादा काम कर दे रहे हैं, तो उसका मतलब आपकी पावर क्या होगा,
ज़्यादा होगी, लेकिन आप ज़्यादा समय में बहुत कम काम करेंगे, इसका मतलब आपकी पावर क्या है, कम है। तो यहाँ पे P इक्वल टू W अपॉन T, ठीक है। अच्छा, वर्क की यूनिट अभी हमने क्या निकाला, न्यूटन। वर्क की क्या निकाला, न्यूटन निकाला, ठीक है। उल्टा सीधा हो गया क्या, ये इधर है और ये इधर है, तो न्यूटन मीटर निकाला है, ठीक है। अगर इसको न्यूटन मीटर निकाला है तो वर्क के जगह हम क्या रखेंगे, वर्क के जगह क्या रखेंगे, न्यूटन मीटर, और नीचे टाइम क्या आ जाएगा, क्या, सेकंड। तो हमारा जो पावर की आएगी यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन मीटर पर सेकंड आएगा कि नहीं आएगा। अब अगर इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो वर्क की डायमेंशन क्या है बताओ, एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस टू, तो लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस टू। अब यहाँ पे एक टी है, इस टी को क्या रखेंगे, यही रखेंगे। अगर ये टी ऊपर उठा कर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, टी पर एक और माइनस चल जाएगा, तो लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस थ्री। तो ये जो बनेगा तुम्हारा बनेगा एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस थ्री, ठीक है। तो इसकी जो डायमेंशन बनेगी, इसकी डायमेंशन क्या बनेगी, इसकी डायमेंशन बनेगी, ये बनेगी एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस थ्री। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं, पावर के बाद हमारा आएगा मोमेंटम, क्या आता है, मोमेंटम। तो मोमेंटम को हम लोग किससे लिखते हैं, स्मॉल पी से लिखते हैं, ठीक है। और मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जो होता है, पी इक्वल टू क्या होता है, एम बी होता है, ठीक है, क्या होता है, एम बी। यहाँ पे एम क्या है, मास है, और बी क्या है, वेलोसिटी है, बी क्या है, वेलोसिटी। बहुत ठंडा कर रहा है, कान पे ही लग रहा है, सब कान ही ठंडा हो गया पूरा, ऐसा लग रहा है शिमले में टहल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पावर देख लेने, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी। अच्छा बताओ, मास, मास की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, अरे लिखा है सामने, वेलोसिटी की क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। कन्फ्यूज तो नहीं हो रहा, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, और ये इसका है, ठीक है। तो ये क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड कहीं लिखा हुआ किसी में, कहाँ लिखा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसकी डायमेंशन निकालेंगे, तो इसकी डायमेंशन निकालने के लिए हम मास की डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल एम, क्या होगी, कैपिटल एम। और उसके बाद हमारी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी की डायमेंशन हमने यहीं कहीं लिखी है कि नहीं लिखी है, क्या लिखी है, एल टी पावर माइनस वन। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, एल टी पर पावर माइनस वन। अगर इसको हम एक ब्रैकेट में करेंगे तो क्या आएगा, एम एल टी पर पावर माइनस वन। तो इसका मतलब मोमेंटम की डायमेंशन हमारी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी एम टी पर पावर माइनस एम एल टी पर पावर माइनस वन। ये तो हमारी मोमेंटम भी निकल गया। अब मोमेंटम के बाद आता है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देखो डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें तो कुछ फार्मूले पता होना चाहिए। जब तक फार्मूले उस नहीं पता है, या तो फार्मूले पता हो, या तो उसके क्या पता हो, एस आई यूनिट पता हो, क्या पता हो, एस आई यूनिट। एस आई यूनिट से भी हम निकाल सकते हैं, या उसके फार्मूले से निकाल सकते हैं। अच्छा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में ये जब हम देखते हैं, एफ इज इक्वल टू जी एम वन मल्टीप्लाइड बाई एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, उसको स्टॉप, ठीक है। तो कैपिटल जी की यहाँ पे क्या निकालेंगे, देखो इसको बटे एक कर लेंगे, हाँ। अच्छा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। तो F का मल्टीप्लाई जब R में करेंगे तो कितना हो जाएगा, F मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा G M1 इंटू M2। अब यहाँ से देखो, G को यहाँ रोक लेंगे और इसको नीचे ले आएंगे, तो इसको लिख सकते हैं G इज इक्वल टू कितना होगा, F मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर अपॉन M1 मल्टीप्लाइड बाई M2। ये कहाँ टहल रही है, ये भी लिख रही है क्या, है इतनी बड़ी मक्खी कहाँ से आ गई, जहरीली वाली। अब यहाँ पे देखो कैपिटल जी,
अब अगर इसका हम यूनिट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा अगर यूनिट लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो फोर्स की क्या लिखेंगे? न्यूटन। और ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस क्या होगा? मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये किलोग्राम, किलोग्राम दोनों क्या है? मास है, तो क्या हो जाएगा? पर केजी स्क्वायर। तो इसकी यूनिट हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर, लिखेंगे पर केजी स्क्वायर। अब अगर इसका हमें डायमेंशन निकालना है तो कैपिटल जी की डायमेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि न्यूटन है तो ये फोर्स है, तो फोर्स की डायमेंशन क्या है? एम एल टी पर पावर माइनस टू। अच्छा बताओ, ये मीटर है तो लेंथ है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? एल स्क्वायर होगी कि नहीं होगी? अब उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, पेन में और कलर नहीं, ब्लैक, चलो काले को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं किलोग्राम है, किलोग्राम का मतलब क्या है? मास। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे एम मल्टीप्लाइड बाई एम लिख लो, या चाहे लिख लो एम स्क्वायर। मतलब इस एम से ये एम कटेगा कि नहीं कटेगा? अच्छा, ये एम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस एम टू द पावर माइनस वन, तो ये हो जाएगा एम टू द पावर माइनस वन। अच्छा देखो, यहाँ पे एल है, यहाँ पे एल स्क्वायर है, तो क्या होगा? एल थ्री। और यहाँ आ जाएगा टी टू द पावर माइनस टू, तो इसकी डायमेंशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे एम पर पावर माइनस वन और एल क्यूब और टी टू द पावर माइनस टू। ये हमारी किसकी डायमेंशन हो गई? कैपिटल जी की डायमेंशन हो गई। तो आई थिंक हमें लगता है सबको कैपिटल जी की डायमेंशन निकालना आ गया, ठीक है। ये तुम्हारे एग्जाम में जो 11th वाले बच्चे हैं उनके एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है कि कैपिटल जी की डायमेंशन निकालो, ठीक है। तो कैपिटल जी की डायमेंशन निकाल सकते हो, हैं? अच्छा बताओ, स्मॉल जी की डायमेंशन कितने लोग को पता है? कैपिटल जी और स्मॉल जी, हमने तुम लोगों से कहा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल जी और स्मॉल जी, और ये भी एक चीज़ ये भी कहा था कि लिख के लेके आना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और एक हमने कहा था कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है, ये भी लिख के लेके आना। कुछ लिखे हो कि नहीं लिखे हो? हैं, कल नहीं, और पहले जब क्लास थी उसमें हमने कहा था, तुम लोग कल के चक्कर में ही रहते हो, ठीक है। तो यहाँ क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो उसमें, ठीक है। तो अब एरिया, एरिया का सिंबल क्या है बोलो? एरिया का सिंबल क्या है? ए। और इसका एसआई यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या बनेगी? एल स्क्वायर। वैल्यूम है तो वैल्यूम को किससे लिखते हैं? वी से लिखते हैं। और इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी? मीटर क्यूब। और इसकी डायमेंशन क्या बनेगी? एल क्यूब। डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी जो होती है इसको हम लोग रो से लिखते हैं, पी से नहीं, क्या लिखते हैं? रो से। उसमें क्या था कि कंप्यूटर में रो नहीं मिल रहा था तो हमने क्या किया, यहाँ पे पी बना दिया था, तो ये रो होता है, पी टाइप ही बनता है, क्या होता है? रो। इसकी क्या हो जाएगी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? एम एल टी दी एम एल पर पावर माइनस थ्री। और उसके बाद आपकी होती है वेलोसिटी, वेलोसिटी को किससे लिखते हैं? स्मॉल वी से लिखते हैं, वैन वाला भी, ठीक है, बॉय वाला भी नहीं, तो स्मॉल बी से। और इसका जो आपका एसआई यूनिट बनेगा मीटर पर सेकंड, इसकी बनेगी डायमेंशन एलटी पर पावर माइनस वन। उसके बाद एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को स्मॉल ए से लिखते हैं, और इसकी जो आपकी एसआई यूनिट बनेगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी डायमेंशन बनेगी एलटी पर पावर माइनस टू। उसके बाद फोर्स आता है, फोर्स को एफ से लिखते हैं, इसकी जो यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो डायमेंशन आएगी एम एल टी पावर माइनस टू। उसके बाद आता है वर्क, वर्क को डब्ल्यू से लिखते हैं, आता है एसआई यूनिट न्यूटन मीटर, एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू। उसके बाद आता है पावर, और पावर को क्या लिखते हैं? पी से, ये आएगा न्यूटन मीटर पर सेकंड, इसकी डायमेंशन आ जाएगी एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस थ्री। उसके बाद आता है मोमेंटम, मोमेंटम को किससे लिखते हैं? स्मॉल पी से लिखते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा एम एल टी पावर माइनस वन। उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कैपिटल जी होता है वो आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसकी डायमेंशन हो जाएगी एम पर पावर माइनस वन एल क्यूब टी पर पावर माइनस टू। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, जो डायमेंशन एक्सेलरेशन की होती है वही डायमेंशन स्मॉल जी की होती है। ऐसा क्यों? जब हम किसी स्ट्रेट लाइन प्लेन पे चलते हैं तो वहाँ पे क्या काम करता है?
ठीक है, एक्सेलरेशन और कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती तो वहाँ काम करती है ग्रेविटी, क्या काम करती है ग्रेविटी। तो जो डायमेंशन एक्सेलरेशन की एल टू द पावर माइनस वन और एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही एसआई यूनिट ग्रेविटेशनल ग्रेविटी की, जी की स्मॉल जी की, और वही क्या हो जाएगी एल टी पावर माइनस टू। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, चलो इसको लिख लो। ठीक है, यहाँ से इसको क्या कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं, हो गया फोटो हो गया, आगे बढ़ें इसी में। इसको क्या करें, क्लीन, अब ये क्लीन कर दिया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ द, क्या हो रहा है, हो गया। यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, मतलब अगर हम डायमेंशन पढ़ रहे हैं तो डायमेंशन का प्रयोग क्या क्या है। ठीक है, इसका प्रयोग क्या 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 एप्लीकेशन है, तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यूनिट के कन्वर्जन में न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो फार्मूला लिखा हुआ है एन वन यू वन इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू। ठीक है, तो इसमें हम कल कुछ कन्वर्जन कराएंगे, क्योंकि आज दो तीन बच्चे कम भी हैं, क्योंकि अपना कहीं ना कहीं गए हैं और एक दो लोग की तबीयत खराब है, तो इसीलिए क्या करेंगे, कल करवा देंगे। उसके बाद दूसरा क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, किसी भी इक्वेशन को सही चेक करना कि वो इक्वेशन रियल में सही है कि गलत है। ठीक है, जैसे मान लो b इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, यू प्लस ए टी लिखा हुआ है, या लिखा हुआ है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, या लिखा हुआ फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू क्या लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन। अगर मैथ में यही तो कहा जा रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के बराबर है तो इसका मतलब क्या है, वो प्रूव्ड है, इक्वेशन सही है। तो हम किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वो इक्वेशन सही है या गलत है, टू चेक, तो इसे क्या करेंगे, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। तो क्या करेंगे, कल इसको हम चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग और देखते हैं, यहाँ पे हम लोग स्टेबलाइजिंग द रिलेशन अमंग द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, जैसे t इज इक्वल टू यहाँ पे k की वैल्यू होती है 2 पाई अंडर रूट l बाई जी, तो टाइम पीरियड में और लेंथ में, ठीक है, और ग्रेविटी में क्या रिलेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका डायमेंशन का एप्लीकेशन है। उसके बाद हमारी जो ये लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस है, इसका क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या नहीं कर सकते। जितने भी कांस्टेंट वैल्यू होते हैं वो सारी की सारी क्या होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। जैसे अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकाला, एक्सेलरेशन निकाला, वेलोसिटी निकाला, लेंथ निकाला, ठीक है, एरिया का निकाला, वॉल्यूम का निकाला, फोर्स का निकाला, लेकिन अगर कोई तुमसे कहे कि टू का डायमेंशन निकालो, तो किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की डायमेंशन क्या होती है, जीरो नहीं होती है, वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। अगर मान लो कहीं लिखा हुआ टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल वाई जी, तो एल की और जी की डायमेंशन है बट टू पाई की नहीं है। अगर तुम कह रहे हो टू पाई की क्या है, जीरो, तो जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब क्या आ जाएगा, जीरो, क्या बन जाएगा, जीरो। इसलिए जितने भी कांस्टेंट वैल्यू होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, उनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। डायमेंशन लेस का मतलब वो क्या होती है, आयामहीन, या उसी को हम लोग कहते हैं बीमा नहीं होती। अब टू फार्मूला कंटेनिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर हमने क्या कहा कि टैन थीटा लिखा हुआ है, तो टैन थीटा का डायमेंशन क्या होगा, तो तुमने कहा ये टी मतलब टाइम, ए मतलब क्या, एक्सेलरेशन, और एन का मतलब नंबर, ऐसा थोड़े ना है, नहीं है ना। तो अगर हमने क्या कहा, tan थीटा cot थीटा लिखा हुआ है, या कोई भी एक्सपोनेंशियल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल में लिखा हुआ x स्क्वायर, ठीक है, या लिखा हुआ exp टू द पावर माइनस x स्क्वायर, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल में लिखा होता, या लिखा हुआ है तुम्हारा क्या, log m टू द पावर n, तो हमने क्या कहा, इसकी कोई डायमेंशन है, नहीं है। या लिखा हुआ log 2 टू द पावर 5, तो इसकी कोई डायमेंशन है, नहीं। तो जितने भी, चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, चाहे लॉगरिथमिक फंक्शन हो, ठीक है, इन सबको हम डायमेंशन नहीं निकाल सकते, कैन बी कैन नॉट बी ड्राइव। तो ये सारे के सारे क्या हैं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी हैं। इट गिव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट वेदर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन अ स्केलर या वेक्टर। देखो, डायमेंशन से हम किसी भी चीज़ को हम स्केलर और वेक्टर नहीं पता कर सकते हैं। जैसे हमने क्या कहा, फोर्स, तो फोर्स से अगर हमने कहा कि फोर्स की डायमेंशन क्या है, एम एल टेपर पावर माइनस टू, तो अब एम एल टी टू द पावर माइनस टू हमें ये थोड़ी ना बताती है कि स्केलर है कि वेक्टर है, नहीं बताती ना, ठीक है। तो हम किसी भी डायमेंशन से हम उसको ये नहीं पता कर सकते हैं कि वो स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये सब सारा प्रोसेस हम लोगों ने क्या किया, ये क्लीन नहीं क्यों हो रहा है, हो गया। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सब सारा प्रोसेस हम लोग
देख सकते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन जो करवाने हैं वो क्वेश्चन हम क्या कर देंगे, कल करवा देंगे। बाकी तुम्हारा डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है, पूरा का पूरा कंप्लीट। अब तुम्हें क्या करनी है, अपनी किताबें खोलनी है और किताब में जितने भी क्वेश्चन हैं डायमेंशन एनालिसिस से रिलेटेड, वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या करना है तुम्हें करने हैं। जिसके क्वेश्चन कहीं भी नहीं लगेंगे वो क्वेश्चन आराम से अपना पूछ सकता है, ठीक है। किसी को दिक्कत है नहीं ना, तो फिर कल मिलें, ठीक है। ओके, थैंक यू।